टू द चैनल अगेन आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ठीक है आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप पिछले साल बी एस एफ का एग्जाम कब हुआ सो so, ये जो क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको बता रही हूँ ये एस एस सी जी डी के क्वेश्चन पेपर्स हैं ठीक है इससे मिलता जुलता नहीं इसके रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको भी आने वाला है इसलिए मैं आपको ये सारे करा रही हूँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आएंगे सो so, ये उसका क्वेश्चन पेपर है सो so, इसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर uh, हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो so, इसकी पी डी एफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड बाकी हमारी वीडियोज़ जो अपलोड हुई हैं वो हमारी प्ले प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड <coughs> सॉरी <And, coughs> हमारे आ, प्लेलिस्ट में भी आप ये चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियोस ठीक है करंट अफेयर्स की वीडियो डाउन अपलोड हुई हैं मंथली आफ्टर दैट हमारी जो जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज की वीडियोज़ है वो अपलोड हुई हैं बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो अभी जो लास्ट टाइम पेपर हो जो लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है ठीक है सो so, आप वो भी हमारे चैनल की प्ले में जाके देख सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर सो सबसे पहले आपकी रीजनिंग है जैसे आपको पता है रीजनिंग का पोर्शन रहता है एग्जाम में तो सबसे पहले आपकी रीजनिंग है कि आपको कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ठीक है स्टेटमेंट आपके ऑल बर्ड्स आर कप सम कप्स आर कैट्स ठीक है सब पक्षी क्या हैं कप्स हैं कुछ कप्स हैं जो कैट्स हैं एंड कंक्लूजन आपको दिया है कि ऑल बर्ड्स आर कैट्स सम कप्स आर बर्ड्स ठीक है तो ऑल uh, जितने भी बर्ड्स हैं वो कप हैं लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं वो कैट्स नहीं हैं ठीक है तो आपका कंक्लूजन ए फॉलो नहीं करता है ठीक आपका है आपका रॉन्ग हो जाएगा नेक्स्ट है सम कप्स आर बर्ड्स अब हालांकि ऑल बर्ड्स आर कप्स ठीक है जितने भी बर्ड में कप्स आते हैं तो कुछ कप्स तो बर्ड होंगे ना सो so, इसलिए आपका जो कंक्लूजन सेकंड uh, है वो सही है तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका रहेगा इसमें D, second, follows, D, आपका आंसर डी ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है uh, एक डिक्शनरी है एक लाइब्रेरी में ठीक एक लाइब्रेरी में एक ही डिक्शनरी है एंड छः स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू उसको वन बाय वन यूज़ करते हैं ठीक है थीके? जो एस है उसको क्यू के बाद एस यूज़ करता है और पी से पहले यूज़ करता है टी जो है आर के बाद उसको यूज़ करता है एंड यू से पहले करता है आर जो है वो हमारा क्या पी के बार डिक्शनरी को यूज़ करेगा तो आपको पता नहीं लास्ट में हमारा जो डिक्शनरी है वो कौन यूज़ करता है तो वो करता है हमारा यू ठीक है यू आ, क्या करता है हमारी लास्ट में डिक्शनरी यूज़ करता है ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कॉन्कोलॉजी एक सर्टिन कोड है उसमें आपका कॉन्कोलॉजी को कैसे लिखा है अ, वाई जी वाई ओ एल ओ सी एन ओ सी ठीक है आपको पता है पैलियोग्राफी तो इसमें क्या पैटर्न उन्होंने लगाया कि कॉर्नकोलॉजी को उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ठीक है जो लास्ट वाले तो फर्स्ट में मतलब लास्ट वाले फर्स्ट हो गया सेकंड लास्ट सेकंड हो गया सेकंड थर्ड सॉ लास्ट थर्ड ला, थर्ड हो गया ठीक है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है कॉर्कोलॉजी को ऐसे इन्होंने तो पेलियोग्राफी में को जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो आप लिखोगे हुए वाई एच पी ए आर जी ओ ई ए पी एल ए पी ठीक है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपका आपको सीरीज कंप्लीट करनी है सेवन है एटीन है देन फोर्टी है फिर सेवेंटी थ्री है एंड क्वेश्चन मार्क है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो इसमें हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है प्लस मतलब इलेवन के अल्टरनेटि आप मतलब इलेवन के मल्टीपल सोलेट ने इलेवन के मल्टीपल्स जो हैं वो आप प्लस करें जैसे आपने सेवन में इलेवन प्लस के एटीन आया एटीन में आप जब ट्वेंटी टू प्लस करोगे तो फोर्टी आएगा फोर्टी में थर्टी थ्री प्लस करोगे सेवेंटी थ्री आएगा सो so ऐसे जब सेवेंटी थ्री में फोटी फोर प्लस करोगे तो आपका वन हंड्रेड सेवेंटीन आएगा यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है सो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है इसमें क्या इलेवन के मल्टीपल्स जो है वो हम इसमें एडअप कर रहे हैं ठीक तो है तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर वन नेक्स्ट है आपको आ, क्या करना है पैटर्न कंप्लीट करना है फिगर का सो so, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बीच में आपको स्टार बनाना है एक लाइन बनानी है साथ में ठीक है तो आप देख सकते हो स्टार में आपको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा विद द लाइन ठीक है क्योंकि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल स्टार के कॉर्नर से टच होती हुई होनी चाहिए सो so, अगर आप ऐसा तो बोलोगे ऑप्शन सी भी हो सकता है बट ऑप्शन सी में आपका जो आ, ये स्टार की जो बन रही है मैच नहीं कर रही है ऊपर वाले स्टार से तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपको आपको फिर से सीरीज कम्प्लीट करनी है ठीक है फिफ्टीन है 19 है थर्टी फाइव है सेवेंटी वन है एंड क्वेश्चन मार्क है सो so, uh, इधर कौन सा आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है फिफ्टीन में आपने टू का स्क्वायर यानी कि फोर प्लस किया नाइनटीन आया फिर नाइनटीन में आपने फोर का स्क्वायर यानी कि कितना फोर फोर जो सिक्सटीन आपने प्लस कर दिया तो आपका आया थर्टी फाइव थर्टी फाइव में आपने सिक्स का स्क्वायर यानी कि थर्टी सिक्स प्लस किया तो सेवेंटी वन आया ऐसे यानी कि हमारे जो इवन नंबर्स के हमारे uh, स्क्वायर होते हैं वो हम ऐडअप कर रहे हैं ठीक है तो सेवेंटी वन में जब आप एट का स्क्वायर ऐड करोगे यानी कि सिक्सटी फोर एड करोगे तो आपका आएगा वन थर्टी फाइव दैट इज़ ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट answer. रहेगा ठीक है नेक्स्ट है इंडिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ठीक है सो इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश आता है आंध्र प्रदेश के अंदर ही हमारा विशाखापट्टनम आता है ठीक है तीनों क्या सबसे पहले आ, इंडिया है इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम सॉरी इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश के अंदर आपका विशाखापट्टनम है तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है वन डाइग्राम जो बी वाली है वो इस इनके रिलेशनशिप को शो करती है इनको रिप्रेजेंट करती है इंडिया आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ठीक है ऑप्शन डी नेक्स्ट है आपका आपको फोर्थ टर्म जो मिसिंग टर्म है वो आपको मतलब बतानी है सिलेक्ट करनी है क्वेरल वॉर ठीक है क्या होती है बहस करना तो उसको हम वॉर 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 मतलब वार भी बोल सकते तो नहीं बोलेंगे बट वॉर हो जाती है लड़ाई लेकिन इसका मिलता जुलता ना इसका सुनाने बोल सकते हो तो वैसे विश क्या होती है ख्वाहिश तो ख्वाहिश को आपको और क्या डिजायर भी बोलते हो ठीक है विश का सुनाने क्या हो गया डिजायर हो गया ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है एट फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी एफ जी ठीक है वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं ए जो है एफ के अपोजिट में है बी जो जो ए है वो एफ के अपोजिट में और बी के राइट में थर्ड है ठीक है जो जी है वो एफ एंड डी के बीच बैठा है और ई e जो है वो सी और ए के बीच में आपको बताने की ए के राइट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है तो वो आपका जी बैठा है ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है नेक्स एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है आपके पास तो क्योंकि उस पर एक पैटर्न दिया हुआ है आप देख सकते हो आपको बताने की जब आप डॉटेड लाइन्स पे इस शीट को फोल्ड करोगे तो वो कैसी फिगर बनेगी वो आपको बताना है तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसमें जो आपका है आपका करेक्ट आंसर रहेगा आप देख सकते हो ना ए, एक लाइन ऊपर ऑलरेडी है जब इसको आप फोल्ड करोगे तो आपके इसका नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा एंड दो लाइंस यहाँ पे हो जाएंगी तो ऑप्शन जो आपका आ, बी है वो करेक्ट आंसर आपका रहेगा नेक्स्ट आपको बताना है साइंस इंटरचेंज करने ठीक है तो आई थिंक इस क्वेश्चन में ना थोड़ी मतलब गलती हो गई या थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि ना ये क्वेश्चन किसी भी तरह से बैलेंस नहीं हो पा रही है सो so, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए so, इस मतलब इस क्वेश्चन पर आप ये वीडियो आ, इक्वेशन मतलब ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए ठीक है इन्होंने आंसर दिया आपको प्लस और माइनस को मतलब वो इंटरचेंज करो ठीक है अगर आप प्लस माइनस को इंटरचेंज करते हो ना तो आ, देखो तो, जब आप प्लस माइनस को इंटरचेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी टू प्लस सिक्स डिवाइड बाय थ्री ठीक है तो सिक्स को थ्री से डिवाइड करोगे टू और टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे फोर फोर प्लस टू कितने होंगे सिक्स तो ट्वेंटी फोर से सिक्स माइनस करोगे तो आपका एटीन आंसर आता है ना कि ट्वेंटी टू एंड मैंने बाकी भी इनसे करके देखा बट तो ये नहीं हो रहा तो हो so, है तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं तो आपको इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है काबुल है बहरीन है वेना है कैनबेरा है ठीक है तो इसमें आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा बाकी क्या है आपकी कैपिटल्स हैं काबुल हो गया वेना हो गया कैनबेरा हो गया बहरीन नहीं है तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में एक सी पर्टिकुलर कोड में ओलॉजी को आपने लिखा है एट्टी नाइन तो आपको आप वर् ओलॉजी को कैसे लिखोगे ठीक है इसमें क्या पैटर्न लगाया हैं इन्होंने जैसे ओ जब आप नंबरिंग देते हो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को ठीक है अल्फाबेट्स को नंबरिंग देते हो वन टू थ्री फोर तो आपका ओ का कोड रहता है फिफ्टीन एल का रहता है ट्वेल्व जी का रहता है सेवन बाइ का रहता है ट्वेंटी सिक्स तो जा... जब आप ओलॉजी में ये लगा के इन सभी को प्लस आउट कर प्लस करोगे तो आपका एटी नाइन आता है वैसे आप वर्लॉजी को करोगे तो वन ट्वेंटी थ्री आता है सो so, uh, मतलब वी का ट्वेंटी टू रहता है आई का नाइन आर का एटीन अगे ओ का फिफ्टीन एल का ट्वेल्व ओ का अगेन फिफ्टीन जी का आता है सेवन वाई का रहता है ट्वेंटी सिक्स जब आप इन सभी को एडअप करोगे तो आपका आंसर आएगा ट्वेंट वन ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेशन हो रही है ठीक है तो अब आप देख सकते हो इसमें आपका क्या रहेगा डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है आप देख सकते हो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ सबसे पहले देखो ऐसे इसका फेस है देन इसका ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो तब ऐसे रहेगा यानि कि ये फिगर आपकी कैसी होगी ऐसी होगी इसको ऐसे होगा इस टाइप की आपकी फिगर जो आपके नेक्स्ट आएगी वो ऐसी होगी ठीक है तो ऐसी कौन सी फिगर डी है जो हमारी वो है ठीक तो है तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा ठीक है नेक्स्ट है ऑल गोड्स आर डॉग्स काउ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स आपके ऑल गोड्स आर डॉग जितने गोड्स हैं वो के डॉग्स हैं और कुछ गोड्स हैं जो काउ हैं ठीक है सो ये सम डॉग्स आर काउज ठीक है जब दिया है कि सारी गोड्स डॉग्स हैं तो सम और कुछ गोड्स हैं जो काउ हैं तो सम डॉग्स भी काउ होंगी एंड सम काउज डॉग तो या, यहां पे क्या होगा कि दो बहुत कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन है क्या फॉलो कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन आपको मतलब मिसिंग नंबर बताना है नाइनटीन फोर्टी फोर फोर्टी वन सेवनटीन क्वेश्चन मार्क क्या आएगा उधर ठीक है सो so, अगर आपको स्क्वायर आते होंगे ठीक है तो आपको पता होगा फोर फोर्टी वन किसका ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है ठीक है ट्वेंटी वन का स्क्वायर कितना होता है फोर फोर्टी वन ठीक है इट मींस क्या हुआ नाइनटीन से दो नाइनटीन प्लस टू ट्वेंटी वन हो गए ना तो यहाँ पे क्या ट्वेंटी वन का स्क्वायर उन्होंने लिखा तो वैसे अब सेवनटीन प्लस टू कितना नाइनटीन का हो गया तो नाइनटीन का स्क्वायर थ्री सिक्सटी वन वही आपका आंसर है यहां पे क्या क्या पैटर्न हमने फॉलो किया नाइन मतलब नाइनटीन जो फर्स्ट टर्म है इसमें दो प्लस करके उसका स्क्वायर लिखा ऐसे ही जब सेवनटीन तो में दो प्लस करोगे नाइनटीन नाइनटीन का स्क्वायर रहेगा आपका थ्री सिक्सटी वन ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको ऑड वन आउट बताना है ऑप्शन में से तो फाइव नाइनटीन है आपका फाइव फाइव सिक्सटी सिक्स है थ्री फिफ्टी सेवन है टू सेवेंटी सिक्स है आपको बताना है इसमें ऑड वन आउट कौन सा मतलब ऑड कौन सा है इसमें से ठीक है तो वो है आपका ऑप्शन डी बी सॉरी ऑप्शन बी है वो क्यों है अगर आप फाइव नाइन के जो वर्ड्स हैं लेटर्स हैं इनको एडअप करो ठीक है आपका आता है फिफ्टीन ठीक है नाइन प्लस वन हो गया टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ठीक है थ्री फिफ्टी सेवन को करोगे थ्री फाइव सेवन फाइव और थ्री आपका एट हो गया सेवन कितने हो गए फिफ्टीन हो गया टू सेवनटी सिक्स को करो तो भी आपका कितना आता है सेवन और टू नाइन एंड सिक्स हो गया फिफ्टीन ठीक है लेकिन अगर आप फिफ्टी फाइव सिक्स सिक्स को ऐड करो तो फाइव फोर सिक्स एलेवन और सिक्स सेवेंटीन आपका आंसर आता है तो ऑप्शन बी इसलिए आपका करेक्ट आंसर नहीं है बाकी सभी का सम कितना फिफ्टीन आ रहा है बट जो आपका बी है उसका सम आपका फिफ्टीन नहीं आ रहा है तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑड वन आउट में ठीक है ये ऑड है नेक्स्ट आपका, है आपका सेवन फ्रेंड्स हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू वो एक मूवी देख रहे हैं एक रोम बैठ के जो एक्ट एस है वो एक एक्सट्रीमेंट पे बैठा है क्यू जो है वो एस के राइट में सेकंड है पी जो है वो ओ और क्यू के बीच बैठा है यू है वो एक्सट्रीमेंट पे नहीं बैठा है ठीक है आपको बताने की राइट पी के बिल्कुल राइट में कौन बैठा हुआ है तो वो बैठा है आपका ओ ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपका डी एफ एच है आई के एम है ई जी आई है क्वेश्चन मार्क है ठीक है तो आपको फर्स्ट टू टर्म्स का रिलेशन आपने निकालना है उनमें क्या रिलेशन एंड देन आपको फोर्थ टर्म वैसे ही रिलेट करके थर्ड मतलब थर्ड से वैसे ही रिलेट करके आपको फोर्थ टर्म बतानी है ठीक है अगर आप फर्स्ट दो टर्म्स में देखोगे तो इसमें डी एफ एच के अगर आप नीचे आई के एम लिखोगे ठीक है डी में जब आप फाइव प्लस करोगे तो आपका आई आएगा एफ में जब आप फाइव प्लस करोगे तो आपका के आएगा एच में फाइव प्लस करोगे तो एम आएगा ऐसी जब आप ई जी आई के साथ लगाओगे ई e, e में फाइव प्लस करोगे जे आएगा जी में प्लस करोगे फाइव तो एल आएगा एंड आई में प्लस करोगे फाइव तो एन आएगा तो आपका ऑप्शन बी इसमें जो जे एल एन है जो ये करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको क्या करना है एक्स फिगर बतानी है कौन सी फिगर में एम्बेडेड है तो आप देख सकते हैं एम ए में तो डेफिनेटली नहीं है ठीक है बी uh, में आपकी ये सर सॉरी आपके यस ए में भी है ए में है ना ये हाँ ये आपकी ये जो फिगर है उसमें है ये ठीक है आप देख सकते हो ना यहाँ पे है ये फिगर तो आपका ऑप्शन ए इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट आपका आपको मतलब क्वेश्चन मार्क में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है देन क्वेश्चन मार्क को फिलअप करना है सो so, आप यहाँ पे देख सकते हो फोर फाइव से कितने होते हैं आपके ट्वेंटी होते हैं ट्वेंटी वन सॉरी so, ट्वेंटी में आप ट्वेंटी वन प्लस करोगे तो कितना आएगा फोर्टी वन आएगा सो वे रिलेशन हम सेकेंड वाले में जब लगाएंगे तो सेवन सेवन सिक्स आपका हो गया फोर्टी टू फोटी टू प्लस फोर्टी थ्री यानी कि जितना आपका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके उसमें एक ऐड करके आपको उसी को मर जैसे फोर फाइव से ट्वेंटी आया ना तो ट्वेंटी में हमने वन प्लस किया ट्वेंटी वन हो गया ट्वेंटी को ट्वेंटी वन में ही ट्वेंटी वन को ट्वेंटी में ही प्लस किया तो फोर्टी थ्री वन आया वैसे सेवन सिक्स का कितना हो गया आपका फोर्टी uh, टू हो गया ठीक है और फोर्टी टू में आप जब ने फोर्टी थ्री आपने ऐड किए तो एट्टी फाइव आपका आंसर दैट मीन्स करेक्ट है तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपको सीरीज कंप्लीट करनी है ओ क्यू एल एन वाई एम पी डब्ल्यू के आर के आर यू ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आपका क्या है अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपकी कौन सी मतलब पैटर्न फॉलो हो रहे हैं सबसे पहले क्यू ओ एम और के को हम देखेंगे तो क्यू में हमने माइनस टू किए ओ आया फिर माइनस टू किए एम आया फिर माइनस टू किए के आया फिर माइनस टू करोगे तो आई आएगा यानी कि फर्स्ट हम आपकी आई रहेगी ठीक है फिर दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो इसमें प्लस टू हो रहे हैं एल में टू प्लस किए एन एन में टू प्लस किए पी पी में दो प्लस किए आर तो आर में जब आप दो प्लस करोगे तो टी आएगा यानी कि आई टी हो गया एंड लास्ट में है ए में आपके जो है माइनस टू वाला जो फॉलो हो रहा है ठीक है ए में माइनस टू करोगे वाई आएगा वाई में माइनस टू करोगे डब्ल्यू आएगा W में टू माइनस करोगे यू आएगा यू में जब आप टू माइनस करोगे तो S आएगा यानी आई टी एस आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है ठीके? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको क्वेंच का मिरर इमेज बतानी है तो मिरर इमेज में क्या होता तो है मैंने आपको क्या बताया था आ, कि जो लेफ्ट है वो राइट right में चला जाता है राइट right वाला लेफ्ट में चला जाता है ठीक है so, सो जब आप क्वेंच में राइट right, लेफ्ट वाला करोगे तो आपका बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी मिरर इमेज कैसी बनेगी बी ऑप्शन जैसी बनेगी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आपको मिसिंग नंबर जो बताना है ठीक है एज्यूम का हो गया प्रिज्यूम एंड काम का हो गया सिडेट ठीक है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है ठीक है एस जी एच है एस एच टी है एच -E so, के ओ है आई ई टी है ठीक है सो इसमें आप लोग के इसमें क्या है तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताना कि हम अल्फाबेटिक लेटर्स को काउंट नंबरिंग देते हैं वन टू थ्री फोर तो वैसे जब आप इनके लेटर्स को प्लस करोगे एस का कोड प्लस करोगे जी का करोगे एच का करोगे तो आपका बाकी सभी का सम कितना आएगा थर्टी फोर आएगा सिवाय आपके एस एच टी के ठीक है एस एच टी का जब आप करोगे तो आपका सम फोर्टी सेवन आता है सो तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका ऑड है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर एस एच टी दोबारा सुन लो एस जी एच है जो उसका सम जब आप करोगे थर्टी फोर आएगा एच के ओ आएगा फिर आपका थर्टी फोर सम आएगा आई टी को करोगे तो भी आपका सम थर्टी फोर आएगा बट जब आप एस एच टी के लेटर्स को प्लस करोगे तो फोर्टी सेवन आता है इसलिए ऑड है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा अब आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है सबसे पहले मैग्नस कार्लन इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स जो मैग्नस कार्लन था वो कौन से स्पोर्ट के लिए फेमस था तो चेस के लिए फेमस था आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपको बताने कि बैंकिंग फील्ड में इनमें से क्या यूज़ नहीं होता है ठीक है तो रेपो रेट जीरो आर कोलेट्रल इंटरेस्ट रेट स्वैप ठीक है तो आपका जो जीरो आर होता है ना वो पार्लियामेंट मीटिंग मतलब पार्लियामेंट में होता है वो हमारे बैंकिंग फील्ड में यूज़ नहीं होता बाकी रेपो रेट हो गया

कि फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो हर साल पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करती है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो uh, हर साल इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रेजेंट करती है कहाँ पार्लियामेंट में ठीक है नेक्स्ट है आपका एज पर द टेक्स्ट चिराका संहिता हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी ठीक है चरका संहिता है जो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो थ्री सिक्सटी हड्डियाँ चरका संहिता के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में होती है नेक्स्ट है पेनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जो पेनसुलर प्लेट्यू है ऑफ इंडिया है वो कौन से लैंडमार्क्स का uh, हमारा पार्ट um, है तो वो गोंडवाना लैंड है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है द पॉपुलर डिपिक्शन नेम ड्रावना शेकिंग माउंट कैलाश इज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ठीक है जो um, एक बड़ी पॉपुलर डिपिक्शन है कि जो रावण था उसने कैलाश पर्वत को हिला दिया था ठीक है आपको पता ना वो जो रावण था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था तो तपस्या जब वो कर रहा था तो उसने जब भगवान प्रसन्नी हो रहे थे तो उसने पूरा मतलब कैलाश पर्वत हिला दिया था तो ये जो डिपिक्शन है ये आप कौन सी केव्स में आपको मिलती है तो वो मिलती है आपको एलोरा केव्स में ठीक के है महाराष्ट्र में है ये एलोरा केव्स तो अम, आपको एलोरा केव यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आ, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है ठीक तो है तो ऑप्शन ए यानी कि थ्री आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के आ, अंडर जो प्रेसिडेंट होता उसको है उसको पावर्स होती हैं कि वो न, जो हमारी नेशन हमारी है हमारी कंट्री है वहाँ पर नेशनल एमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर सकता है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है ब्रद्धेश्वर टेम्पल एट तंजोर बिलोंग्स टू विच रिलीजियस सेक्ट जो ब्रद्धेश्वर टेम्पल है तंजोर का तो वो कौन से रिलीजियस से बिलोंग करता है तो वो नय नया नार से बिलोंग करता है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहा है ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज बाय कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल जो टीवी रिमोट कंट्रोल है उससे मतलब वो कौन सी वेव्स यूज होती हैं उसमें तो इन्फ्रा रेड रेज यानी कि बी सॉरी इंफ्रा रेड, रेड वेव्स ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन से दिन मनाया जाता है तो अगस्त ट्वेंटी नाइन को मनाया जाता है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया जो संगाई फेस्टिवल है वो कौन सी इंडिया के कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है तो मणिपुर में होता है ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है यूनियन बजट टू में कितने मतलब Uh, कितने रुपीज़ जो है अलॉट हुए थे ऑपरेशन ग्रीन के लिए तो वो हुए थे फाइव हंड्रेड करोड़ ठीक है ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है विध जूस सिक्रेटेड एंड एलिमेंट्री कनाल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स फैट्स के डाइजेशन में जो मतलब एलिमेंट्री कनाल में जो जूस सिक्रीट होता है आपको उसका नाम बताना है जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है तो वो होता है बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस ठीक है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हमारे मतलब एलिमेंट्री कनाल में सिक्रीट होते हैं और वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट है नेक्स्ट है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ठीक है जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है उनकी ऑटोबायोग्राफी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेल्सन मंडेला नेक्स्ट है इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन थे ठीक है तो, कौन होता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है ठीक है नेक्स्ट है सॉरी ऑफ द बिलो रिवर इज़ ऑल्सो तो रेफर टू एज दक्षिण गंगा दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को बोलते हैं तो गोदावरी रिवर है उसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है फॉलोइंग द स्टेटमेंट स्वराज में इज़ माई बर्थ राइट एंड आई हैव शेल हैव इट ठीक है ये स्टेटमेंट या ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूँगा ठीक है तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहता है नेक्स्ट है नेम कोस्टल ओरिसा का क्या था था ठीक है कोस्टल जो उसका पुराना नाम क्या था तो कलिंगा ठीक है कलिंगा की वॉर काफी फेमस वॉर है ठीक है uh, जो अशोक एम्पर अशोक का था उसकी लाइफ चेंज कर दी थी कलिंगा वॉर ने तो जो जो हमारा कोस्टल ओरसा उसका एंशियन नेम क्या है कलिंगा है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहता है नेक्स्ट है आपका नॉवल uh, है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री ठीक है सो जो नॉवल है द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स वो कौन, कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है तो इंडिया से इंस्पायर्ड ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटीन्स का एक मेजर सोर्स नहीं है तो सोयाबीन में भी प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में होती है फिश में भी होती है ग्राम में भी होती है वीट में नहीं होती है ठीक है यानी कि कनक में नहीं होती है सो so, गेहूँ इसमें नहीं होती है तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कौन सा मतलब सोल्यूशन होता है जिससे हम प्रोटीन की प्रेजेंस को, करते so, हम, आ, की को आ, टेस्ट करते हैं सो कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन जो है जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज को आपने डिस्क्राइब करना है मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो एंडेमिक स्पीशीज को डिस्क्राइब करती है ठीक है स्पीशीज जो मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल की कोई भी प्रजाति जो किसी एक आ, पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज ठीक है स्पीशीज दैट आर फाउंड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरियाज उनको हम क्या बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे कब होता है तो वो होता है डिसंबर टेन को ठीक है दिसंबर टेन को हम क्या ऑब्जर्व करते, है? right करते हैं ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन जी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है एक्वेटिकन इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल्स है जिसको गिल्स नहीं होते हैं तो वो वेल को नहीं होते हैं बाकी ऑक्टोपस पॉलीपस को भी होते हैं स्क्विड को भी होते हैं क्लॉन फिश को भी होते हैं वेल को गिल्स नहीं होते हैं ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथ्स का पोर्शन अगर सी किसी काम को किसी काम का टू थर्ड पार्ट करने में 12 दिन लगाता है ठीक है और आ, जो सी है वो उस का, पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा मतलब किसी का नाम है यहाँ पे फॉर लेट करेंगे सी है वो एक काम के टू थर्ड पार्ट को करने में बारह दिन आपको ना पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा तो वो पंद्रह दिनों में करेगा ठीक है नेक्स्ट है आपको वैल्यू बतानी है फाइव ट्वेल्व डिवाइड सिक्सटीन प्लस फोर इंटू फाइव बाई टू और वन बाई एट प्लस वन बाई थ्री ठीक है तो आपका आंसर कितना रहेगा फोर फोर्टी नाइन बाई ट्वेल्व ऑप्शन बी नेक्स्ट है, है पैरामीटर uh, है एक रेक्टेंगुलर टेबल का सिक्सटी uh, रेक्टेंगुलर टेबल का सिक्सटी सेंटीमीटर अगर रेक्टेंगुलर टेब रेक्टेंगुलर टेबल का जो एरिया है वो टू जीरो नाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो आपको बताना है कि टेबल की लेंथ कितनी होगी सो so, नाइनटीन सेंटीमीटर होगी ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट है मार्क

पाँच साल के लिए किसी एक पर्टिकुलर सम पे है सेवेंटी एट हंड्रेड ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्स ईयर के लिए है नाइन जीरो फोर एट ठीक है तो आपको बताना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तो वो होगा सिक्सटीन परसेंट ऑप्शन सी नेक्स्ट है कॉस्ट uh, प्राइस है एक आर्टिकल की नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट रुपीज और प्रॉफिट है फिफ्टीन परसेंट आपको बताना नेट प्रॉफिट कितना होगा तो वन थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी रुपीज़ नेट प्रॉफिट होगा ठीक है नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट है तीन सालों के लिए एक सर्टेन सम पे फिफ्टीन परसेंट पे नाइन थाउजेंड आपको बताना है कि Uh, अगर रेट थर्टी परसेंट कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट दो सालों का कितना बनेगा तो बनेगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है वैल्यू बतानी है आपको टेन वन थाउजेंड फोर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी फाइव माइनस एट इंटू वन बाई टू ऑफ वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री ठीक है तो इसका आंसर रहेगा आपका फिफ्टी बाई थ्री नेक्स्ट है पाई चार्ट आपको दिया है जिसमें आप सात डिफरेंट आइटम्स का इंपोर्ट शो कर रहा है वो ठीक है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट कंट्री में टोटल इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं उसके परसेंटेज के तौर पर सात आइटम्स की इम्पोर्ट शो कर रहे पाई डाइग्राम आपको बताना है कि टोटल इम्पोर्ट आइटम पी वन का थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज ठीक है तो आपको बतानी है कि पी टू जो आइटम है उसकी वैल्यू कितनी है इम्पोर्ट की हुई तो वह है सिक्सटी नाइन थाउजेंड ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है

सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो कितना होगा तो वो होगा आपका थर्टी टू पॉइंट फोर के जी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है एक टू फिफ्टी मीटर लॉन्ग ट्रेन है थर्टी सेकेंड वो लगाते हैं एक थ्री फिफ्टी मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में आपको बताइए कि वो ट्रेन जो है फाइव फिफ्टी मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी तो वो लगाएगी फोर्टी सेकेंड्स ठीक है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपको लगे कि इलेक्शन है रवि और मनोज के बीच में रवि को सिक्सटी वन परसेंट टोटल मतलब टोटल वोट में सिक्सटी 1 किसको रवि को मिलते हैं और टोटल वोट्स रवि को कितने मिले परसेंट टोटल वोट्स जो है इनवैलिड डिक्लेयर किए जाते हैं ठीक है अब बताने कि जो कैंडिडेट मनोज था उसको कितने वोट्स मिले तो उसको मिले थे 78, हंड्रेड यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है प्राइस है दो आर्टिकल्स का उस वो है फाइव सिक्स की रेशियो में आपको फर्स्ट आर्टिकल जो है उसका प्राइस थर्टी परसेंट बढ़ जाता है और जो सेकेंड आर्टिकल का प्राइस है वो एक्स परसेंट कम हो जाता है जो न्यू रेशियो होती है वो थर्टीन टू इलेवन होती है आपको ताकि एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो वो होगी आपकी एट पॉइंट ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहता है नेक्स्ट आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स की सेल्स बताई हुई है एक साल में ठीक है जो टोटल सेल है कार की सिटी में वह है यहाँ पे सिक्स लाख है ठीक है तो आपको नहीं है कि टी फोर कार्ज हैं वो सिटी में कितनी बिकी थी टी फोर कार्स कितनी सोल्ड हुई थी सिटी में ए, उस गिवन ईयर में तो हुई थी ट्वेल्व थाउजेंड से ट्वेल्व वन टू सिक्स ट्रिपल ज़ीरो ठीक है तो नेक्स्ट uh, है आपका द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है लेंथ ब्रैथ एक रेक्टेंगल की कितनी है सिक्सटीन सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आपको बताने की रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा तो वन टू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है एम जो है काम को कंप्लीट करता है फोर्टीन डेज में ठीक है एल से मतलब जितने में एल करते हैं उसे चौदह दिन में वो कम लगाता है अगर एम एल दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो वो उस काम को चौबीस दिनों में करेंगे। आपको बताने की एम कितने दिन में उस पूरे काम को अकेले ख़त्म कर देगा तो वो कर देगा उसको फिफ्टी सिक्स डेज में ठीक में है ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है यू वी जो है और यू वी है और एक और टर्म है मतलब बंदा है तीन बंदे उन्होंने क्या किया इन्वेस्टमेंट की फिफ्टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन की रेशियो में उन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया है वन जीरो टू थ्री जीरो ठीक है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी रुपीज़ का आपको बताने की आ, टी का शेयर क्या रहेगा ठीक है तो उसका शेयर रहेगा थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है मोहन ने एक डिस्टेंस को मतलब वन एट्टी सेवन किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसको आ, एस किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर किया ठीक है अगर मोहन की स्पीड सिक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब बढ़ जाए तो छः आर उसको कम लगेंगे मतलब छः घंटे कम लगेंगे उसको सेम जो आ, उसको कवर करने में डिस्टेंस को आप बताने की एस की वैल्यू कितनी होगी तो एस की वैल्यू होगी आपकी इलेवन किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी नेक्स्ट है, रेडिया यानी कि दो सर्कल के रेडियस है फिफ्टीन सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर अगर थर्ड सर्कल का जो एरिया है वो दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर तो आपको बताना है कि थर्ड सर्कल का रेडियस कितना होगा तो वो होगा सेवनटीन सेंटीमीटर ऑप्शन ए देन आपको अगेन पाइट चार्ट दिया हुआ है इसमें आपको सात डिफरेंट आइटम्स के इम्पोर्ट्स बताए हुए पी वन पी टू पी थ्री पी एस फाइव पी सिक्स पी सेवन का ठीक है उनका इम्पोर्ट uh, का वो बताया हुआ पर परसेंटेज बताइए एज टोटल परसेंटेज ऑफ सॉरी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री ठीक है आपको बताना है कि जो पी सिक्स आइटम का इम्पोर्ट है वो पी फाइव आइटम्स के इम्पोर्ट uh, का कितना परसेंट है तो वह है नाइन परसेंट ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है पी ने एक आर्टिकल को क्यू को चा पांच परसेंट लॉस पे ठीक है और उसने आ, उस आर्टिकल को आर को बेचा बीस परसेंट लॉस पे अगर आर ने टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ दिए आर्टिकल पे तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है पी के लिए कितनी थी तो वे थी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ ठीक है ऑप्शन बीस में आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर एक फैमिली का एट थाउजेंड वन हंड्रेड दो मंथ्स के लिए ट्वेल्थ थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी नेक्स्ट फाइव मंथ्स के लिए एंड फोटी थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फाइव फाइव मंथ्स के लिए ठीक है अगर फैमिली ने सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सॉरी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ बचाए पूरे साल के तो एवरेज मंथली इनकम कितनी है फैमिली की तो वो है वन एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ ठीक है ऑप्शन बी नेक्स्ट है डाटा दिया हुआ आपको आ, ए और बी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग मार्क है, अलग मार्क्स सिक्योर किए हैं अलग अलग मार्क्स लिए हैं उनका डाटा आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है कि ए और बी का कंबाइंड मीन कितना होगा तो वो फोर पॉइंट सेवन होगा ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट है नेक्स आपको एल्सीय बताना है टू का टू की पावर टू इंटू थ्री पावर फाइव इंटू सेवन की पावर थ्री एंड टू की पावर फोर इंटू थ्री के पावर फोर इंटू सेवन के पावर वन ठीक है तो ऑप्शन डी इस इसमें आपका करेक्ट आंसर है टू की पावर फोर इंटू की पावर फाइव इंटू की पावर थ्री इसमें आपका मतलब एल्सीय रहेगा ठीक है नेक्स्ट अब आपको इंग्लिश का पोर्सन आया था तो फिल अप फिल करनी है स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर डैश यू विल कैच अ कोल्ड ठीक है मतलब एयर कंडीशनर यानी कि एसी बंद कर दो नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा सर्दी हो जाएगी ठीक है तो और इसमें हम यूज करेंगे स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर और यू विल कैच अ कोल्ड ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा ठीक है नेक्स्ट है गुलीबल आपको सिनोनिम बताना है गुलीबल का गुलीबल का सिनोनिम होगा क्रेडिश आएगा ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सिट्यूट करना द स्टेट गवर्नमेंट हैज इट वाज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है ठीक है तो विल गिविंग मतलब देगी ठीक है तो हैज अनाउंस उसने अनाउंस किया कि देगी तो इट वॉज गिविंग नहीं आएगा इट विल गिव फाइनेंशियल हेल्प आएगा तो ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा द स्टेट गवर्नमेंट हैजनाउंस दैट इट विल गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ठीक है वीकर सेक्शन है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को वो फाइनेंशियल हेल्प देगी ठीक है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का आपको एंटोनियम बताना है तो वो होगा सेंसिबल ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा तो आपको ईडीएम का मीनिंग बताना है एट वंस विट एंड ठीक है तो एट वंस um, मतलब होता है आपको कुछ पता नहीं है आपको करना क्या है ठीक है आप मतलब आपको पता नहीं है है आपने क्या करना तो not knowing what to do, तो at का, का मतलब है, क्या? आपको नहीं पता है कि आपने क्या करना है तो not knowing what to do, option आपका correct answer है next है इफ यू अटैक योर किंगडम ऑन द डैश ऑफ अवेंजिंग अवर डेथ ठीक है अगर तुमने हमें मार दिया तो जो एम्प्र है वो तुम्हारे किंगडम पे अटैक कर देगा हमारी मौत का बदला लेने के लिए ठीक है तो प्रिटेक्स आएगा इसमें ठीक है इफ यू के लस द एंपर कैन अटैक यू किंगडम ऑन द प्रिटेक्स ऑफ एवंजिंग आर डेथ तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपको एंटोनियो बताना है एबिडेंट का एबिडेंट का एंटोनियो आपका रहेगा स्केर ठीक है एबिडेंट हो गया जो uh, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और उसके रोगे जिसकी कमी हो तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एक्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज कैन टू ट्रस्ट डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेटर But let us so before handing over the letter, I make him dash to post it immediately. As for myself, anyone dash ask me to post a letter is a poor judge of my. करेक्टर ठीक है तो आपके जो फोर्थ ब्लैंक रहेगी उसमें आएगा आपका प्रॉमिस एंड फिफ्थ ब्लैंक में आपका रहेगा हो ठीक है नेक्स्ट है आपको क्या करना है करिकली स्पेल्ट वर्ड बताना है अटेंडेंस तो अटेंडेंस के स्पेलिंग होते हैं ए डबल टी ई एन डी ए एन सी ई ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है वी नीड अ डैश लीडर फॉर द नेशन इन दिस ट्रबल्स टाइम तो वी नीड अ डायनेमिक लीडर ठीक है जो uh, कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करे डायनेमिक लीडर हमें चाहिए ये जो मतलब मुश्किल हालात हमारे नेशन के चल रहे हैं इसके लिए तो आपका ऑप्शन बी इसमें आपका ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर रहेगा वी नीड अ डायनेमिक लीडर फॉर द नेशन इन दिस ट्रबल टाइम ठीक है नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सिट्यूट है मोस्ट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दबेव फ्रीक्वेंट विजिट टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है सो ये ऑप्शन जो आपका मतलब बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो इसको इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है नो नीड टू इंप्रूवमेंट सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा नो इंप्रूवमेंट ठीक है ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग ये समझने में फेल हो गए कि उसका यहाँ आने का मकसद मतलब कंट्री के इस पार्ट को विजिट करने का इतनी अचानक से विजिट करने का मकसद क्या था ठीक है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्टनेस

क्या मुझे परमिशन देंगे कि मैं ऑफिस आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूँ तो इसमें क्या आएगा जो लिविंग है वो आपका नहीं आएगा लिविंग इसमें नहीं आएगा वो ग्रामेटिकल मतलब गलत है सो so, आपका ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट है आपका आपको अगेन ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है आइडेंटिफाई करनी है इवन दो आई टुक अ टैक्सी द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन ठीक है मैंने हालांकि मैंने टैक्सी ली बट मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन वहाँ से चली गई थी तो ट्रेन के लिए लेफ्ट नहीं आता है तो ये आपका ग्रा गलत है ठीक है ग्रामेटिकली तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट रहेगा तो ट्रेन लेफ्ट ठीक है नेक्स्ट है आ, में बताना आपको एलेबोरेट तो एलेबोरेट होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना ठीक है so, सो इसमें आपका डिटेल्ड आएगा डिटेल यहाँ एक्सप्लेन करके बताना क्या मतलब होता है डिटेल में बताना इलेबोरेट का स्नोनिम क्या हो गया डिटेल्ड हो गया ऑप्शन सी नेक्स्ट है हेल एंड हर्टी हेल एंड हर्टी का एडियम का मतलब बताना है आपको तो हेल एंड हर्टी का मतलब होता है हेल्दी ठीक है तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपका आपको क्या करना है ये हो गया नेक्स्ट है आपका आपको वन वर्ड सब्सिट्यूट करना है ऑरिजिनेटिंग और अक्रिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड ठीक है किसी कंट्री में नेचुरली वो प्रेजेंट है मतलब नेचुरली जनरेट हो रहा है ऑरिजिनेट हो रहा है किसी पर्टिकुलर मतलब कंट्री में फाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंडिजीनियस ठीक है इंडिजीनियस क्या होता है जो अपनी ही कंट्री का हो जहाँ पे वो पाया जाता है ठीक है हमारी कंट्री में कोई चीज़ पाई जाती है अपने आप नेचुरली ओरिजिनेट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे इंडिजीनियस बोलेंगे ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा हमने वर्ड सुना भी होगा कई बार नेक्स्ट है शी हैज़ बिन रिड्यूसड डैश अ स्केल्टन ड्यू टू हर इलनेस ठीक है उसमें हम बोलते हैं ना कि यार उसमें कुछ भी नहीं रह गया सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया तो वही इन्होंने बोला कि उसकी बीमारी की वजह से वो क्या एक हड्डियों का ढांचा बन के रह गई है सो ठीक है सो शी हेज़ बिन रोड्यूज टू अस्कैल्टन ड्यू टू हर इलनेस तो टू आपका यूज़ होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है आपको वन सॉरी अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सिट्यूट करना है देर इज नो रीजन वाई यू शुड रिमेन टेंस वन आई वॉज प्रोसिसिंग टू हेल्प यू मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारे पास कोई रीजन ही है कि क्यों तुम इतने ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हो जबकि मैंने तुम्हें हेल्प किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा ठीक है तो आई वॉज प्राम आई वॉज़ प्रामिसिंग यू टू सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा मैंने तुम्हें प्रोमिस किया तो इसमें आपका क्या है आई वॉज प्रोमिसिंग टू हेल्प यू ठीक है तो इसमें आएगा आई आई प्रोमिस आई हैव प्रोमिस टू हेल्प यू जब मैं uh, ठीक है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि जब मैंने प्रामिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है आई व प्रोमिस्ड टू हेल्प यू ठीक है ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको जो ग्रामीटिकल एर आइडेंटिफाई करनी है वी वुड बी वेरी प्लेज इफ यू कुड कम टू माई हाउस ठीक है हमें बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर आओगे तो कम टू माई होम आएगा हाउस नहीं आएगा तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट है आप सॉरी दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो ठीक है देखिए हमारा इस पे क्वेश्चन पर लास्ट क्वेश्चन था सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें कि ताकि नेक्स्ट वीडियो की uh, जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए एंड इन सभी की वीडियो इन सभी वीडियोज़ की जो पी फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी सो तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जी करंट अफेयर्स रेगुलर एज से ठीक है वहाँ पर आपको हमारी सारी पी एफ्स भी एक साथ मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की भी जनरल नॉलेज की भी एंड ये जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं इनकी पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें थैंक यू सो मच गाइज